अगर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर कम होगा तो लोगों के बीच आपके चैनल का वैल्यू भी कम हो जाएगा। चाहे आप कितनी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही क्यों ना अपलोड कर दो, लोगों को यही लगेगा कि यार इसके तो खुद ही अभी सब्सक्राइबर कम है तो इसके पास नॉलेज नहीं होगा, और यही सोचकर 60-80% लोग वीडियो पे क्लिक ही नहीं करते। और जो 20-40% लोग क्लिक भी करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और फुल वीडियो भी नहीं देखते। तो आपके कम सब्सक्राइबर को देख के आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम कभी ना हो और आप यूट्यूब पे आसानी से ग्रो कर सको, इसलिए आप भी अपने सब्सक्राइबर को स्टार्टिंग के टाइम में हाइड करके ही रखना। और इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप सब्सक्राइबर को कैसे हाइड कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक मिनट में। तो वीडियो को ध्यान से देखना। सब्सक्राइबर हाइड करने के लिए आप सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करो और उसमें अपने चैनल को ओपन करो और राइट साइड ऊपर में इस लोगो वाले बटन पे क्लिक करना और उस अकाउंट से लॉगिन हो जाना जिस अकाउंट से आपने चैनल को क्रिएट किया है। और मैंने एक डेमो ईमेल बनाया है आपको दिखाने के लिए, तो मैं उस वाले ईमेल आईडी से यहाँ लॉगिन हो जाता हूँ और उसी ईमेल से अपने बायटी स्टूडियो को भी ओपन करता हूँ। आप यहाँ पे लोगो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा बायटी स्टूडियो का, तो आप इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आप बायटी स्टूडियो में चले जाओगे और बायटी स्टूडियो ओपन होने के बाद नीचे में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखना क्योंकि जो सेटिंग्स होने वाली है यहीं पे होने वाली है। और आप जैसे ही इस सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कई सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ये सेकेंड वाला ऑप्शन चैनल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा वहाँ पर भी आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला बेसिक इन्फो का, दूसरा एडवांस सेटिंग का और तीसरा फीचर इलेक्टिबिलिटी का। तो आपको इस बीच वाला ऑप्शन एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है और एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सब्सक्राइबर काउंट का। यहाँ पर लिखा होगा डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आप इस बॉक्स को टिक करके सेव करते हो तो आपके चैनल का सारा सब्सक्राइबर शो होगा, यानी कि कोई भी आपके चैनल पे कितना सब्सक्राइबर है देख सकता है। और अगर आप इसे अनटिक करके सेव करते हो तो फिर आपके चैनल का सारा सब्सक्राइबर किसी को नहीं दिखेगा। तो आपको सब्सक्राइबर हाइड करना है इसलिए इसे अनटिक कर देना और नीचे में ये जो सेव वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना, ये सेव हो जाएगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इस सेटिंग को अप्लाई होने में करीब 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है, तो आप उतना देर वेट कर लेना, YouTube ऑटोमेटिक इसे खुद ही अप्लाई कर देगा। और अगर YouTube पे सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लो, और अगर 4000 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हो जेन्युइन तरीके से तो इस राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लो।